हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से वर्ड को, दैट इज़ द टेरवा। एंड आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिकॉज मैं लास्ट में एक फन फैक्ट ज़रूर बताता हूँ। एंड ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है एंड आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष चौहान और आप देख रहे हैं वाइन्स गुरु इंडिया, जहाँ पे आपको वाइन की इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, वाइन की वीडियोस मिलते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ टेरवार। एंड टेरवार जो है बेसिकली बहुत ही वाइडली यूज्ड येट हाईली मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, बिकॉज इसका जो प्रोनंसिएशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो थोड़ा सा टिपिकल है कंपेरेटिवली बाकी चीज़ों से। टेरवार बेसिकली एक फ्रेंच टर्म है जिसका प्रोनंसिएशन होता है टेरवार। मैं तीन बार रिपीट करूँगा सो दैट आपके लिए ईजी रहेगा वो कलेक्ट करना, रजिस्टर करना आपके माइंड में। सो दैट इज़ टेरवार, टेरवार, टेरवार। सो टेरवा जो है बेसिकली इट्स अ फ्रेंच टर्म मीनिंग सॉइल, दो इसका कोई स्पेसिफिक इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं, अगर गूगल करते हो आप टेरवार के बारे में, दैट इज द कंप्लीट नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच अ पर्टिकुलर वाइन इज प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज सॉइल, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। अगर आप आगे पढ़ते हो, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, टेस्ट एंड फ्लेवर इम्पार्टेड टू अ वाइन बाई द एनवायरनमेंट इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। सो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। एंड आगे अगर आप देखते हो तो टेरवार होता क्या है, अगर आप पूछते हो कि टेरवार क्या है, सो ऑल द फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ प्लेस दैट कैन अफेक्ट द कैरेक्टर ऑफ अ वाइन मेड फ्रॉम इट इज कंसिडर्ड एज अ टेरवार। एंड टेरवार बेसिकली यूजुअली ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ज़्यादा एम्फसाइज होता है कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू न्यू वर्ल्ड कंट्रीज, बिकॉज एज यू नो टेरवार इज़ अ फ्रेंच टर्म एंड फ्रांस जो है दैट इज़ अ ओल्ड वर्ल्ड कंट्री। एंड मैंने एक वीडियो बनाया था ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड के कंपेरिजन का, सो आप वो चेक कर सकते हैं आई कार्ड में, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, सो आप उससे चेक कर सकते हैं। सो आपको ज़्यादा इजी रहेगा समझना, इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो पे चेक कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर हम आगे चलते हैं तो बेसिकली हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके। सो जो टेरवा है ये मेजरली चार एलिमेंट से बना हुआ है, एंड बेसिकली दे आर टेम्परेचर, क्लाइमेट, सॉइल, टेरेन और टोपोग्राफी। एंड इन सब चारों को अगर आप कॉन्स्टिट्यूट करोगे तो आपको टेरवा मिलेगा। एंड अगर आप स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, सो बेसिकली आपको जैसे हॉट या फिर कोल्ड टेम्परेचर मिल सकता है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से एरिया ऑफ द अर्थ में हो या फिर आपकी जो वाइन्स ग्रो हो रही हैं वो कौन से एरिया में है, कौन से रीजन में है, कौन से लोकेशन में है अराउंड द अर्थ। एंड आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो जिसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है इसके जो लैटिट्यूड्स होते हैं 30 to 50 degrees नॉर्थ एंड साउथ में, वहाँ पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द विनयार्ड्स मिलेंगे अराउंड द वर्ल्ड। सो यस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो हॉट अगर क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा सो जो ग्रेप होगा वो इजिली राइप होगा, एंड विच इज़ वाई अगर वो चीज़ राइप होगी तो इट विल बी स्वीट। एंड अगर कोई ग्रेप स्वीट होता है तो उसमें हाई अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन रहता है, उसके जो वाइन बनती है उसमें हाई अल्कोहलिक स्ट्रेंथ रहती है एंड उसका एसिडिटी कंटेंट लो रहेगा। वेर एज अगर आप किसी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में जो ग्रेप ग्रो हो रहा है अगर उसको लेते हो, उसका राइपनिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है, कम रहता है, एंड विच इज़ वाई वो एसिडिक वाइन मिलती है आपको, एंड उसका स्वीटनेस भी कम रहता है, उसकी वजह से लो अल्कोहलिक स्ट्रेंथ रहता है। यूजली आपको ड्राई वाइन भी मिल सकती है। तो बेसिकली सनशाइन आवर्स भी बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रांस जैसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द विनयार्ड्स जो हैं वो स्लोप में रहते हैं, सो जो सनशाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, बीट हॉट बीट कोल्ड आर हार्मफुल फॉर एनी वाइन, सो ये भी ध्यान में रखना होता है टेरवा को ध्यान में रखते हुए कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ना हो, बिकॉज एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो वाइन ग्रेप्स ख़राब हो जाएंगे, वाइन बर्ड्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, फ्लावर्स ख़राब हो जाएंगे, सो एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज़ नॉट गुड। बट हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज़ क्लाइमेट। सो आप सोच रहे होंगे कि क्लाइमेट और टेम्परेचर में फ़र्क क्या है। बेसिकली टेम्परेचर इज़ हॉट एंड कोल्ड बेसिकली, एंड क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं तो जैसे स्नो हो गया, रेन हो गया, विंड हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, हेल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सारे क्लाइमेट के अंडर आते हैं। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत इन्फ्लुएंस करती है टेरवा को। एंड फॉर एग्जांपल ज़्यादा विंड रहेगी तो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा जो ग्रेप है, ह्यूमिडिटी रहेगी तो उसमें रॉटिंग का खतरा ज़्यादा रहता है, हेल से बर्ड्स टूट जाते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी इन प्रोपोर्शन।
नेक्स्ट अगर आप देखते हैं उसके पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, जिनको वाइन के बारे में जानना अच्छा लगता है। एंड ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का जो बटन है उसको क्लिक करके, बेल आइकन पर क्लिक करके अगर आप ऑल पर सेलेक्ट करेंगे तो यू विल बी नोटिफाइड अबाउट माई वीडियो नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई एक वीडियो अपलोड करता हूँ। एंड बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 95% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, वो वॉच कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं बेसिकली तो इट मोटिवेट्स मी, एंड उससे मैं कुछ और भी नए नए कंटेंट लेके आऊँगा आपके सामने जो आपको पसंद आएंगे। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। सो नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ अगर हम आते हैं तो दैट इज़ सॉइल। एंड सॉइल जो है दैट इज़, अगर आप देखते हैं टेरवा का लिटिल मीनिंग फ्रेंच से, सो दैट इज़ सॉइल। एंड सॉइल भी अलग अलग टाइप की होती है, फॉर एग्जाम्पल क्लेई सॉइल, ग्रेविल, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या होता है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स क्या, उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, कैसा ड्रेनेज है। फॉर एग्जांपल ग्रेवली सॉइल का ड्रेनेज इजी रहता है कंपेयर टू क्ले, क्ले जो है वो थोड़ा सा रिटेन करती है वाटर को। सो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं जब आप एक वाइन बनाते हैं, राइट। एंड अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बात करते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सो दैट इज़ टेरेन या फिर टोपोग्राफी। फॉर एग्जांपल जो स्लोप होती है या फिर एल्टीट्यूड होता है, सो एक साइड से आपको सनशाइन मिल रही है लेकिन दूसरे साइड से सनशाइन नहीं मिल रही है, सो दैट इज़ यू कैन से कंसिडर्ड एज अ माइक्रो क्लाइमेट। आपने देखा होगा कि कई जगह आपके एरिया में बारिश होती है लेकिन कुछ किलोमीटर दूर बारिश नहीं होती, सो बेसिकली दैट इज़ अ माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। सो इससे भी वाइन पे जो इफेक्ट रहता है, ग्रेप पे जो इफेक्ट रहता है वो आपको दिखाई देगा जब आप फाइनल वाइन बन के आएगी। एंड माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इन्फ्लुएंसिंग होती है इन अ टेरवा, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेक है आसपास उस विनयार्ड के, माउंटेनियस रीजन है, सो वो भी माइक्रो क्लाइमेट को एंडोर्स करता है। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाई टेरवा इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली टेरवा जो है दैट इज़ दैट गिव्स द वाइन इट्स डिस्टिंक्टिवनेस, एंड उसका एक रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक प्लेस से कि वो वाइन कौन से एरिया ऑफ द वर्ल्ड से आई है। एंड ये जो है ये मोस्टली ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहती है। सो मैंने एक वीडियो बनाया था ओल्ड वर्ल्ड वाइन वर्सेस न्यू वर्ल्ड वाइन, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, न्यू वर्ल्ड कंट्रीज़ ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं, बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड के बारे में, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अपने पर्टिकुलर विनयार्ड, रीजन, विलेज, इन सबको वाइन बॉटल पे रिप्रेजेंट करती है, अनलाइक की न्यू वर्ल्ड कंट्रीज़ जो कि डायरेक्ट ग्रेप को रिप्रेजेंट करती हैं अपने वाइन को प्रमोट करने के लिए। सो अगर आप किसी भी फ्रेंच वाइन लेबल को चेक करेंगे उसमें उस एरिया का नाम होगा ना कि उस ग्रेप का नाम हो। वो अपने एरिया को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कंपेरेटिवली बिकॉज दे थिंक कि जो पीपल दोज हु आर लाइक वेरी एंथुजियास्ट अबाउट वाइन दे नो वेयर द ग्रेप इज़ कमिंग फ्रॉम। पर्टिकुलरली अगर आप उसका सिर्फ विलेज का नाम या फिर उस एरिया या यू कैन से विनयार्ड का नाम डाल देंगे तो सो दे कंसिडर इट वेरी प्रेस्टिजियस। एंड आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, एक और वीडियो मैंने बनाया था दैट इज़ ऑन हाउ टू रीड वाइन लेबल्स, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू एज वेल जब आप कोई एक वाइन लेबल रीड करेंगे तो। नेक्स्ट चीज़ पे अगर हम आते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज जो अभी चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, उससे ये कैसे इफेक्ट होता है, मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो क्लाइमेट चेंज ऑन वाइन मेकिंग या फिर विनयार्ड पे बनाऊंगा इन द लेटर टाइम। बट अभी अगर मैं बिल्कुल ही ब्रीफ में अगर इसको डिस्कस करूँ तो बेसिकली जो ओल्ड वाइन मेकिंग टेक्निक्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं इससे, बिकॉज अगेन मैं अगर फ्रांस के एग्जांपल लूँ तो जो फ्रांस के जो विनयार्ड्स थे, कई विनयार्ड जो स्लोप में लोअर एल्टीट्यूड पे थे वो आज की डेट में हायर ऑफ द एल्टीट्यूड में चले गए हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग जो लोअर एल्टीट्यूडनल टेम्परेचर है वो राइज कर गया है, उनको थोड़ा सा हायर एल्टीट्यूड में जाना पड़ा टू गेट ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो ये होता है आज की वाइन की कहानी। अभी हम लोग बढ़ते हैं आज के फन फैक्ट की ओर। एंड आज का जो फन फैक्ट है कि जो अर्ली डेफिनेशन था टेरवा का, बेसिकली वो सिर्फ यूज़ होता था सिर्फ एक स्पेसिफिक वाइन के टेस्टिंग नोट्स को डिफाइन करने के लिए, एंड स्पेसिफिकली अर्दी नोट्स को डिफाइन करने के लिए टेरवा एज अ वर्ड यूज़ होता था अर्लियर टाइम्स में। सो दैट इज़ इट, आज की वाइन की कहानी होती है ख़त्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइए मुझे नीचे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड ऑल्सो बताइए कि टेरवार आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर
आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता टेरवार का, आप सिर्फ वाइन को एंजॉय करते हैं। एंड नीचे कमेंट करके बताइएगा, एंड और भी कोई क्वेश्चंस एंड सजेशंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट इन माई फर्दर वीडियोज। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप मुझसे बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम। मेरा जो हैंडल है दैट इज़ वाइन्स ग्रो इंडिया, सो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। वीडियो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फन टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड जय हिंद।